तो पिवट टेबल का चौथा सिस्टम है। अब पिवट टेबल की चौथी क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कैलकुलेशन। पिवट टेबल के अंदर हम किस तरह से कैलकुलेशन को करेंगे। सबसे पहले डेटा है हमारे साथ, तो डेटा है किसी रीजन के, किसी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कस्टमर और टाइप का न्यू था या रिपीटेड कस्टमर है, कितनी यूनिट सेल हुई, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना परसेंट का प्रॉफिट शेयर हुआ। अब इसमें मैं लगाता हूँ पिवट टेबल और एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करके हम एक लोकेशन पे आ जाता हूँ जहाँ मुझे पिवट अप्लाई करना है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रीजन वाइज यहाँ हमने अपना यूनिट रख दिया या रेवेन्यू मान लीजिए रख देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिटी वाइज रेवेन्यू आ गया। अब मुझे क्या करना है कि जो सिटी वाइज रेवेन्यू जो आया है ना, इसको मुझे रेवेन्यू भी चाहिए साथ में शेयरिंग चाहिए। मैं इसको एक बार शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देता हूँ कि कितना परसेंट का शेयर है, मतलब इसकी टोटल से इन सब में डिवाइड करके यहाँ परसेंटेज हमें शो करना है कि यहाँ हमें करना है कि दैट इज डिवाइड बाई ए इस तरह से। लेकिन ये तो मैंने बाहर से किया, ये 4% आ रहा है, लेकिन पिवट के अंदर होना चाहिए ताकि वो पिवट का पार्ट हो जाए। तो मैं रेवेन्यू को एक बार और यहाँ वैल्यू में रख सकता हूँ। अब यहाँ एक चीज़, नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है कि किसी भी फील्ड को आप वैल्यू में मल्टीपल टाइम रख सकते हो, सिर्फ वैल्यू में, इसके अलावा रो कॉलम किसी एक में ही रख सकते हो। इसके बाद साइड में जाएंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग आपको दिख रहा होगा, इस वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ सो वैल्यू एज पे आएंगे जहाँ पे नो कैलकुलेशन है, उसके जगह पे यहीं पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल क्लिक कीजिए, ये आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। इसमें और क्या क्या है एक और देख लेते हैं। इसमें जैसे कि इसमें परसेंटेज ऑफ रो टोटल है, कॉलम टोटल है एंड ग्रांड टोटल है, तीन है। तो क्या होता है रो कॉलम और ग्रांड टोटल? इसके लिए मुझे एक रिवेन्यू को यहाँ से हटाना होगा पहले, और मुझे रो एंड कॉलम से यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट काफी बड़ा हो गया, अच्छा इसमें रिप्लेस करते हैं और फिर हम प्रोडक्ट उठा कर रखते हैं यहाँ। अब देखिए रो टोटल जो होता है, ए जो ये दिख रहा है इसको बोला जाता है रो टोटल, नीचे जो दिख रहा है आपको इसको बोला जाता है कॉलम टोटल, ये आपका कॉलम टोटल है। तो अगर आप परसेंटेज ऑफ रो टोटल करते हैं तो क्या होगा कि ए जो यहाँ, एक मिनट में दे देता हूँ, परसेंटेज ऑफ रो टोटल तो जो रो में आ रहा है 7981, इससे इसके रो पे डिवाइड, हर उसका टोटल उसके रो को डिवाइड करेगा और रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा कि ये ओवरऑल में, मतलब कि यहाँ उदयनगर में ओवरऑल में आपका जो है 26% रूरल है, मेरे साल जो है 35% है, समसिंग 18% है, एक्सी जो है हमारा 19% का सेल है, सब मिला के कितना हो गया 100%। जी सर। ठीक है सर। सर इसी तरह से अगर मैं कॉलम टोटल कर दूं तो नीचे कॉलम वाइज जो है वो आपका आ जाएगा, अगर कॉलम टोटल कर देता हूं तो ये 16%, तो यहाँ ग्रांड टोटल जो ग्रांड टोटल उससे हो जाता है। ये हमारा टोटलिंग का सिस्टम है, नो कैलकुलेशन करेंगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो। तो कैलकुलेशन में आपको परसेंटेज निकाला आ गया। अब मान लीजिए
हमने यहाँ पे जो है प्रोडक्ट वाइज, मैंने प्रोडक्ट को यहाँ रख दिया और प्रोडक्ट वाइज मैंने वाले जी यूनिट डाला हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें 900 का क्या था, टारगेट था। तो डेटा में मैं नीचे गया और नीचे जाने के बाद जहाँ प्रोडक्ट था वहाँ पे दे दिया टारगेट और यहाँ आके मैंने 900 कर दिया। अब ये 900 जो है यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें पिवट टेबल डिजाइन में जाके यहीं पे आपको दिखेगा चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे और डेटा को वापस रीसेलेक्ट कर लेंगे ताकि टारगेट आपका शो हो जाए। अब मुझे इस टारगेट से बाकी सब को डिवाइड करना है, तो यहाँ पिवट टेबल फिल सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ परसेंटेज ऑफ आपको दिख रहा होगा और इस परसेंटेज ऑफ में मैंने टारगेट को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो देखिए टारगेट का यहाँ पे आ गया। हम दो बार रख सकते हैं कि भाई 3D जो है 69% टारगेट अचीव किया है, 65%, 66, 72, 70, 75, इस तरह से टारगेट शो हो जाता है। अब चलिए इसमें और चीजें भी है देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपका आता है सेम है, परसेंट ऑफ रो टोटल कॉलम टोटल वही है। डिफरेंस क्या आप डिफरेंस निकालना चाहते हो कि भाई टारगेट से कितना रह गया है डिफरेंस, तो यहाँ से डिफरेंस निकाल सकते हैं आप। ऐसे डिफरेंस परसेंटेज रनिंग टोटल क्यूमुलेटिव टोटल जो होता है ना वो यहाँ लगा सकते हैं। क्यूमुलेटिव टोटल का परसेंटेज चाहिए, रनिंग टोटल परसेंटेज आता है, तो रनिंग टोटल परसेंटेज भी आप निकाल सकते हैं यहाँ। इस तरह से तो यहाँ पे और भी कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कोई तो कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है तो मुझे कल बताइएगा, आपको समझा देंगे। ठीक है सर। तो ये तो हमने किया आइटम की कैलकुलेशन, अब बात करते हैं फील्ड कैलकुलेशन। तो मैं एक बार दोबारा से पिवट लगाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और ये डेटा हटा देता हूँ और इंसर्ट पिवट टेबल न्यू। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी या रीजन या कस्टमर नेम वाइज, कस्टमर का जो नेम है नेम वाइज हमने यहाँ पे यूनिट ले लिया, यहाँ पे रेवेन्यू ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि देखिए क्या है कि 242 पीस जो बिका है वो 1347-56 में बिका है, तो मुझे यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट पर यूनिट ऐसी कैलकुलेशन करनी है, जिसके लिए हम डेटा में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हमें करना जब भी होगा तो हमें अपने एक्सेल सीट पिवट के अंदर ही करना होगा। एनालाइज के अंदर ही आपको दिखता है फिल आइटम सेट, उसी के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड में आप जाएंगे तो यहाँ आप अपना दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कॉस्ट सॉरी सेल पर यूनिट। इसके लिए क्या करना है, हमें हमें इसके लिए करना है रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट और यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड ओके कीजिए। देखिए आ गया। अब इसका जो फॉर्मेटिंग है आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं या फिर इसी में कैलकुलेटेड फील्ड में जाके साउंड का मिक्स नम बोलिए कुछ पूछे सर कर दिया। उसके बाद अगला कैलकुलेशन है प्रॉफिट की, भाई कितना प्रॉफिट हुआ टोटल। तो यहाँ हम कैलकुलेटेड फील्ड में वापस आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट और प्रॉफिट में भी हम क्या करते हैं यहाँ कि रेवेन्यू माइनस रेवे नहीं माइनस क्या करना है
प्रॉफिट परसेंटेज है ना, परसेंटेजेस में निकालना है ना, रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज। ज्यादा नहीं हो गया तो कुछ ज्यादा हो गया। जैसे मैं इस डेटा देखो, तो है मैं यहाँ यहाँ रेवेन्यू लेते हैं मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, इसमें कुछ गड़बड़ी है सर। वो इंडिविजुअली निकाल के सम कर रहा है, लेकिन सम का रेवेन्यू ये रहा और ये रहा, दोनों में डिफरेंस आ रहा है सर, कुछ तो प्रॉब्लम है। अच्छा इसके बारे में हम बात बात करते हैं। मान लीजिए मुझे इसे रेवेन्यू का जीएसटी निकालना है, अगर परसेंटेज की बात होती है तो मुझे मान लीजिए जीएसटी निकालना है, तो कैलकुलेटर फील्ड में आता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लेके इसको जीएसटी कर देता हूँ, जीएसटी और रेवेन्यू का 18% वो जीएसटी चाहिए, 18% लिया और ऐड कर दिया, तो ये देखिए आपका जीएसटी निकल गया 24,000 समथिंग। ठीक है, इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है आप कैलकुलेटेड फील्ड में आके यहाँ पे कर सकते हैं। मैथमेटिकली नहीं, आप यहाँ पे अपना कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इंसेंटिव देना है, इंसेंटिव देना है कि भाई दो, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 300 के नीचे जो सेल किया है उसको हमें 5,000 देना है, 300 से ऊपर जो सेल किया है उसको हम 10,000 देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इफ फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ यूनिट यूनिट इज ले यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 300, उसको देना है 5,000, अदरवाइज 10,000। इस तरह की इफ कंडीशन वगैरह भी इसमें हम लगा सकेंगे, और देखिए ये आ गया। ठीक है सर, तो ये आपकी कैलकुलेशन दे सकते हैं, लिस्ट फॉर्मूला पे जाएंगे तो बता देगा कि आपने किस तरह की कैलकुलेशन कर रखी है, तो यहाँ आपको दिखता है। ठीक है, तो पिवट टेबल में कैलकुलेशन को ट्राई कीजिए। मैं ये फाइल कल फाइल नहीं भेज पाया क्योंकि सेव नहीं कर पाया था, आज ये फाइल आपको भेज